पाकिस्तान में बंदा रह रहा है यार, जिंदगी बर्बाद है यार, बंद कर। दुबिन के बगैर नजर आ रहा है आपको? जब इलेक्शन के बाद दुबिन के बगैर भी नजर नहीं आएंगे दुबिन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, भाई ठीक ठाक होंगे। आज 6 फरवरी है और एक दो दिन के बाद इलेक्शन है, जिसमें अभी एक पोस्ट चल रही है बहुत ज्यादा, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि 7 फरवरी से लेके कल से और 12 फरवरी दिन 12 बजे तक इंटरनेट 5 दिनों के लिए तकरीबन बंद कर दिया जाएगा और हो सकता है कि कॉलिंग भी ना हो। लेकिन मेरे हिसाब में ये न्यूज़ फेक है, ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आई, लेकिन ये इतनी तेज़ी से ग्रुप में शेयर हो रही है कि लोग परेशान हो रहे हैं, तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बनाई जाए, एक पब्लिक ओपिनियन लिया जाए कि पब्लिक क्या बोलती है इसके ऊपर। तो चलते हैं लोगों से पूछते हैं लोगों का क्या ओपिनियन, लेकिन मेरे हिसाब में ये न्यूज़ फेक है। मोबाइल छीन लो तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, ये बताएं हुकूमत एक तरह का इकदाम करी, अफवाह भी हो सकती है और रियल न्यूज भी हो सकती है कि भाई इलेक्शन के बाइस 4 से 5 दिन तक नेटवर्क कम्प्लीटली बंद, जिसमें कॉलिंग नेट सब बंद होगा, तो आप कैसे देखते हैं ये इकदाम हुकूमत के, कैसे हैं? नहीं, ये इकदाम किसी भी तरह से अच्छे नहीं है। उसकी वजह ये है कि मोबाइल जो है खाली गवर्नमेंट पर्पज के इस्तेमाल में नहीं है, आवाम के पब्लिक पर्पज यूज में भी है। उसमें अल्लाह ने अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है अदर, और इतने आपको पता है यहाँ की सर्विसेज सही नहीं है, ना हॉस्पिटल्स की, ना रोडों की, ना ट्रैफिक की, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया, कोई बारिश का वगैरह हो गई जिसके फ्लोर नाले वगैरह भर गए, अल्लाह ना करे कोई हादसे हो गए, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो दूसरी बात ये कि जो मकसद के लिए बंद किए जा रहे हैं उसमें सबसे ज़रूरी यही है, मोबाइल पे ही तो सब अपने वोट भी चेक करेंगे कि कहाँ पे किसकी पोस्टिंग है, किधर जाना है, क्योंकि सुना है कि इलाकाई हलकों की तब्दीलियाँ बहुत बड़ी गलत तकसीम कर दी गई है, एक घर के 5 अफराद के अलग अलग वोटिंग एरियाज बनाए, तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये हुकूमत की एक चीज़ ये समझ में नहीं आती, जैसे कि आप देखते हैं कि डबल सवारी बंद कर दी, दहशतगर्दी के डर से ये सब बंद कर दिया, तो उन्हें क्यों नहीं रोका जाता जिनके ऐसे ये सब कुछ होता है, ये आवाम को ही क्यों रोका जाता है, इसकी वजह क्या है? हाँ, इसकी वजह यही है कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो माशाल्लाह काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर वो जिन अनासर को पकड़ने के लिए उनको रखा गया है वो उसमें शायद नाकाम है। दूसरे इदारे जो है अपने मतलब के काम सारे पूरे कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ रोकते उन्हीं को हैं जो मिसाल के तौर पर शरीफ लोग हैं, जहाँ कमज़ोर हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, उनके सामने से 2 पराठे गुजरेंगे, काले शीशे लगे होंगे, उसको सलूट करके सलाम अलैकुम करके आगे बढ़ा देंगे, और बाइक पे हेलमेट नहीं पहने तो आप आ जाए भाई साइड में आ जाए, 1200 का चला रहे, 1300 का चला रहे, गाड़ी का लाइट नहीं है, ये नहीं है, जो जिनको रोकना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये कि VIP मूवमेंट जो है इसको खत्म होना चाहिए। अब 2 चीजें आपसे पूछे, खाली एक चीज पूछनी, जैसे कि एक गूंगे के आगे कुछ भी बोलते रहे तो वो सुनता नहीं है, तो इसी तरीके से हुकूमत से मुतालबात आवाम करती है लेकिन वो सुनती नहीं, लेकिन आप भी कर लें। हाँ, आपकी तरफ से क्या मुतालबात होंगे? तो हमारे मुतालबात तो हम लोग तो 1947 से मुतालबात कर रहे हैं, कोई एक भी पूरा नहीं हो रहा, किसी भी किस्म का नहीं हो रहा। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल 4 दिन के लिए सस्ता कर देते हैं फिर बढ़ा देते हैं, तो अगर वो पेट्रोल जिस दौरान कम होते हैं ना रेट, तो दूसरी चीज़ों पे इतने पैसे बढ़ चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर आप चिकन के रेट ले लें, अंडे के रेट ले लें, दूध के ले लें, वो इतने बढ़ गए होते हैं कि 10 रुपये पेट्रोल पर कम होते हैं और 1000 रुपये दूसरी चीज़ों पर बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि हम किसी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट की ओर बल्कि और निगेटिव चले जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है आवाम जो है वो बहुत परेशान है। बहुत शुक्रिया, बहुत जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम भाई, एक मार्केट में अभी खबर घूम रही है जिसमें यह बोला जा रहा है कि 7 तारीख से 12 तारीख तक इंटरनेट या कॉलिंग बंद की जा सकती है। अब ये खबर फेक भी हो सकती है और सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए भाई, मेरा जो अपना वो है ओपिनियन कि जो चीज़ पूरी दुनिया में नहीं होती ना वो पाकिस्तान में हो सकती है। अच्छा, तो आप ये मत सोचे कि नहीं हो सकती, यहाँ वो काम हो रहे हैं जो पूरी दुनिया में नहीं होते, तो क्या भाई देखे ये बंद कर दें इसको, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक हमारे लिए बस अच्छा करे, जो भी करे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों का रोजगार भी इससे लगा हुआ है, लोगों की जरूरतें अब तो जरूरत बन गई है ना, जरूरत लोगों के कारोबार है, रोजी इससे लगी हुई है लोगों की। मिसाल के तौर पर मैं भाई किया, कोई ले भाई किया है, ये तो गरीबों का है ना जी जी, ये इनके भाई किया कैसे चलेगी, बंद हो जाएगी भाई किया 3 दिन, इनको खाने को कौन देगा? तो देने वाले तो अल्लाह पाक है, लेकिन एक जरा है तो गवर्नमेंट उनके लिए सहूलतें पैदा करे, ना कि परेशानियां उनके लिए पैदा करे। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत नसीब फरमा दे।
आमीन आमीन। अभी तो इलेक्शन के दौरान माशाल्लाह से सारे नजर आ रहे हैं, सारी जमातों के लोग नजर आ रहे हैं, मगर इलेक्शन के बाद आप दूरबीन लेके ढूंढेंगे तो नजर नहीं आएंगे आपको, है नहीं है? अभी वो तो दूरबीन का दूसरा नाम वोट है असल में। हां वही तो कह रहा हूं, अभी तो वोट आपके हाथ में होगा तो आपको नजर आएंगे। तो दूरबीन के बगैर नजर आ रहा है आपको, जब इलेक्शन के बाद दूरबीन के बगैर भी नजर नहीं आएंगे, दूरबीन लगाएंगे तो नजर भी नहीं आएंगे आपको। तो क्या करना चाहिए, मतलब आप ये बताएंगे, मतलब ये 75 साल से चल रहा है, हमारी नस्लें भी नस्लें पहले जो गुजरी हैं उनकी भी शिकायत थी, फिर और नस्लें शिकायतें चलती रहती है, इन पर अमल क्यों नहीं होता? अमल इसलिए नहीं होता, हम लोग खुद गलत है, हम लोग जो चुनाव करते हैं ना सोचते समझते नहीं, बस बिरादरी बेस पर जो होता है वोट डालते हैं, अपने लसानियत बेस पर वोट डालते हैं। अगर हम सही सोचे समझे भाई कौन किसका मुस्तहिक है, कौन हकदार है और कौन समझदार है, कौन एजुकेटेड है, मेन चीज ये, पहले ये चीजें नहीं थी, यूट्यूबर अगर अब आ गई तो लोगों को हमारे मुल्क में समझ ले 20% 35% पढ़े लिखे हैं, ये माशाल्लाह से ये खुद बाहर से आया मेरा बेटा ना, अच्छा ये डेनमार्क से आया हुआ, मगर वहाँ भी इलेक्शन देखे, हमने भी इलेक्शन वहाँ देखे, कोई ऐसी चीज नहीं। आप सुबह 5-8 बजे से रात 8 बजे तक वोट डालते हैं, जॉब सबों की जॉब चल रही होती है, कोई चक्कर नहीं, कोई वो नहीं होता, एक एक जगह मखसूस जगह होती है जहां जाके आप अपनी कंपेनिंग कर सकते हैं, रोड पे हर एक को परेशानी कर सकते हैं, जैसे भाई ने कहा भी कि भाई क्या कहते हैं पराठो जा रही है, पराठो में तो मेन लोग तो वही है जो दहशत गर्दी फैलाते हैं, मोटरसाइकिल में शरीफ आदमी कहाँ से फैलाएगा, ये बताइए आप। लेकिन हमारे यहाँ पे वोटिंग का एक मामला मैं कहता हूँ इतना अच्छा है जो किसी मुल्क में नहीं है, इसको आप भी मानेंगे, आप पहले घर बैठे वोट देने नहीं, आपका वोट कास्ट ये तो बहुत अच्छा है, अभी पे कल परसों ये सहूलत कहीं नहीं है, एक सहूलत अभी शायद आप एक दो दिन पहले मैं ये चीज देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि भाई एक साहब आए बोले भाई मेरे बेगम का वोट पड़ गया, आ गई बोले हाँ अभी अभी डाल के गई है, बोले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आई, बोले क्या हुआ, बोले 15 साल पहले वो इंतकाल कर गए। जी अस्सलाम वालेकुम इशकात भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बताइए 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक इलेक्शंस की वजह से इंटरनेट और शायद कॉलिंग भी बंद हो जाए, क्या बोलेंगे इस पे? यार बाबर भाई हमारे मुल्क का निजाम ऐसा ही है, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हमारी तो रोजी रोटी इंटरनेट से होती है सारी की सारी, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं फिर जाके कमाते हैं, अब 4-5 दिन के लिए जिंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है, मतलब कोई काम ही नहीं कर सकते, फिर बहुत सारे लौंडे लौंडी हैं आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं, बाबू सोना खाना खाया पोती कल्ली मिले बाबू ने, वो सब भी खत्म हो गया यार, मतलब जिंदगी की सारी एक्टिविटी खत्म हो गई, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, पाकिस्तान में बंदा रह रहा है यार, जिंदगी बर्बाद है यार, बंद करें। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं कि ये जो खबरें चल रही है भाई नेट और सिग्नल कॉल वगैरह सब बंद हो जाएगी इलेक्शन की 22, तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? यार नेट जो है वो ये है कि इंसान की जरूरत है, अगर जरूरत के तौर पे उसे लिया जाए, अगर उसे आलतू फालतू आप यूज करते हैं और गलत मकसद में यूज करते हैं तो वो बेकार है, तो लिहाजा हर चीज इस वक्त इंसान की जरूरत बनी हुई है, जैसे दीन दुनिया दोनों की इजाजत है इसी तरह ये भी एक जरूरत है, लेकिन जरूरत के तौर पे अगर उसे आप एक्स्ट्रा किसी गलत जगह पे वे पे यूज करेंगे तो वो बेकार है। तो हुकूमत बंद करिए, इसको नुकसान किस चीज में होगा, क्या आवाम पे क्या नुकसान? तो ये है कि इंटरनेट वालों को ही होगा और किसी को तो खैर क्या होगा, आवाम परेशान हो जाएगी, जो यूजर है वो बेजार हो जाएंगे, घरों में पागल हो जाएंगे, ऐसा भी होगा, तो बहरहाल ये है कि जाहिर है जरूरत है गवर्नमेंट की कोई, इसकी वजह से वो बंद कर रही है इसको, तो वो बस सबर करें और क्या कर सकते, ज्यादा नुकसान तो मेरे ख्याल से हम लोगों को जो गर्लफ्रेंड्स वगैरह वो फोन कर रहे होते हैं, बिल्कुल वही मैंने पहले बात, लेकिन शोहर जो बाहर है वो सुकून में आ जाएंगे कि बीवी के कॉल नहीं आए। हां बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी बहुत सुकून में आ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत की तरफ से ये इकदामात किए जा रहे हैं भाई इलेक्शन के टाइम पे सिग्नल कॉलिंग वगैरह सब बंद की जा रही, तो इसका आप क्या सोचते हैं क्या नुकसान होगा वहां पे? नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है, लोगों का ये है कि जो काम होता है व्हाट्सएप पे वगैरह पे पेपर एग्जाम के वो आते मतलब बताते लोगों को, अब वो उनके काम बंद हो जाएगा, और दूसरी बात लोगों को मसले मसाइल होते हैं उसकी वजह से बहुत परेशान रहेंगे, और ये बाइक क्या वगैरह चलाते हैं, बाइक वगैरह का लोकेशन वगैरह भी है
चेक करनी पड़ेगी ना, इसी वजह से इनको भी नुकसान होगा। आपका क्या नुकसान होगा अगर आपका अगर नेटवर्क अगर बंद 5 दिन के लिए, अगर आपके यहाँ पे मोबाइल के सिग्नल और सिम वगैरह सब, जैसे कोई भी परेशानी हो जाती है घर में, कोई भी मजबूरी आ जाती है एकदम, तो बंदे कॉल कैसे करेगा? और ये मतलब बिना सहूलत गलत है। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यार क्या करना चाहिए, यार क्या कर रहे हैं? इलेक्शन से कुछ भी नहीं है, इलेक्शन तो हो रहे हैं, इलेक्शन अपने लिए हो रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी हो रहे हैं। जो भी वजीर आजम आएगा कुछ भी आएगा, महंगाई तो फिर भी लेनी है। और दूसरी बात ये है कि वजीर आजम आ जाए, कोई भी आ जाए, भले बंदा कोई परेशान हो, कोई मर रहा हो, कोई जी रहा हो, किसी का क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, इंसान की जान जाएगी। शुक्रिया भाई जान। तो भाई ये हमारी वीडियो जिसको हमने ये जो 5 दिन वाला इंटरनेट बंद होने वाला सीन जो चल रहा है इसको लेते हुए हमने ये प्लान किया कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि ये खबर फेक है या ओरिजिनल है। ये फेक है या ओरिजिनल है लेकिन इसको लेके काफ़ी मार्केट में खबरें फैली हुई हैं कि 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये कल या परसों ही पता चलेगा इलेक्शन वाले दिन। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन हमारे पास सिवाए मोबाइल सिग्नल बंद करने के या डबल सवारी बंद करने के कोई दूसरा हल नहीं है। कुछ भी हो जाए, बारिश हो जाए तो गाड़ी लेके बाहर मत निकलो, मोबाइल छिन जाए तो मोबाइल लेके बाहर मत निकलो, जो भी छिन जाए वो लेके बाहर मत निकलो। मैं तो दुआ करता हूँ जो लोग ऐसा बोलते हैं उनका भी कुछ छिने, ताकि उनको कुछ समझ में आए कि भाई छिनना क्या होता है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।